जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय पूरा विश्व COVID-19 जैसी महामारी के संक्रमण से गुजर रहा है। ऐसे समय में जरूरी है आपका घर पर रहना, सुरक्षित रहना। घर पर रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आए, इसलिए आपकी अपनी आदित्य कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एक ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ करने की पहल की है। इसमें रुचि जैन एज ए बायोलॉजी लेक्चरर फ्रॉम आदित्य कोचिंग इंस्टीट्यूट आज अपना पहला बायोलॉजी ऑनलाइन लेक्चर लेकर प्रस्तुत हुई। देखिए, बायोलॉजी का मीनिंग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, बॉटनी और जूलॉजी, वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र। पहले हम बात करते हैं बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र की। वनस्पति शास्त्र का 12th क्लास का पहला चैप्टर है आवरण बीजी पात्र में जनन की क्रिया। सबसे पहले हम इस टॉपिक को ही क्लियर करेंगे, इसका ही हम सामान्य परिचय देते हैं। आवरण बीजी पादप क्या होते हैं? जिन पादपों में बीजों के बाहर कोई आवरण पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? आवरण बीजी पौधे कहते हैं। यानी बीजों के बाहर क्या पाया जाए, आपके एक आवरण की उपस्थिति हो, कोई लेयर की प्रेजेंस हो, वो पौधे आवरण बीजी पौधे कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पादपों, पादपों यानी पौधों से संबंधित, यानी आवरण बीजी पौधे। नेक्स्ट जनन, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि एक नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के बीज को यदि जमीन में हम ग्रो करेंगे तो उससे क्या होगा? एक नया नीम का पेड़ ही डेवलप होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से आम के बीज से आम का पेड़ ही डेवलप होगा, गाय से गाय का बछड़ा ही उत्पन्न होगा, मनुष्य से मनुष्य का बच्चा ही उत्पन्न होगा। इस तरह से जब अपने संतान उत्पन्न करने की क्षमता जिन जीवों में पाई जाती है, या ये जो क्षमता है, इस क्षमता को अपने समान ऑफस्प्रिंग को डेवलप करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब हमारा टॉपिक क्लियर हुआ कि हमारा इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, आवरण बीजी पादपों में जनन की क्रिया। आवरण बीजी पादपों में जनन कितने प्रकार का? लेकिन जनन दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट आता है अलैंगिक जनन, और नंबर सेकेंड आता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जिस जनन में कोई युग्मक संलय नहीं हो रहा है, कोई निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है, कोई युग्मनस का निर्माण नहीं हो रहा, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी पौधे का निर्माण या किसी जीव का निर्माण होता है, वो जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन कहलाती है। इस अलैंगिक जनन में जीव या तो पौधे के किसी भाग से नया पौधे का डेवलपमेंट होता है, या किसी भी एक कोशिका से जो है किसी जीव का निर्माण होता है, इस तरह का जनन कहलाता है अलैंगिक जनन। जबकि लैंगिक जनन के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का निर्माण होता है, दोनों युग्मकों का संयोजन होता है। संयोजन किस क्रिया के द्वारा होगा? निषेचन की क्रिया के द्वारा होता है, और जिसके फलस्वरूप युग्मनस का निर्माण होता है, और यही युग्मनस आगे परिवर्तित होकर नए जीव का विकास करता है, नए पौधे का, नए जंतु का विकास करता है। इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे नर युग्मक मादा युग्मक इन दोनों का संयोजन हुआ तो कौन सी क्रिया में संयोजन हुआ? निषेचन में, और क्या बना? युग्मनस बना। इस प्रकार का जनन जो होगा वो कौन सा जनन कहलाएगा? लैंगिक जनन कहलाता है। अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की प्रक्रिया। अलैंगिक जनन आवृत बीजी पौधों में कितने प्रकार का पाया जाता है? दो प्रकार। नंबर फर्स्ट अनिषेचक बीजतंतु, ए गैमोस्पर्मी। सेकंड कायिक जनन, जिसे हम कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं, इंग्लिश में से कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अनिषेचक बीजता क्या है? जिसमें बीज का निर्माण लैंगिक जनन द्वारा नहीं होकर बीजांड की किसी कोशिका से या भ्रूणकोष से होता है, इस प्रकार के जनन को अनिषेचक बीजता कहते हैं। इसके उदाहरण है आम, नाशपति आदि। दूसरे प्रकार का जनन है हमारा कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
जब पौधे का प्रवर्धन बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी कायिक भाग से, पौधे के कायिक भाग कौन से हो गए, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, पत्र प्रकलिका है, इनके द्वारा ही किसी नए पौधे का परिवर्धन हो रहा है, तो इस प्रकार के जनन को हम क्या नाम देंगे, कायिक जनन कहते हैं। जैसे आलू, शकरकंद आदि। अब हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन यानी कायिक जनन। पौधों के कायिक भाग मैं आपको बता चुकी हूँ, जड़, तना, पत्ती, पत्र प्रकलिका, ये सब पौधे के क्या कहलाते हैं, कायिक भाग। अब कायिक जनन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन यानी पौधे के ही किसी भाग से नए पौधे का परिवर्तन होना, उस प्रवर्धन को जो कि प्राकृतिक रूप से हो रहा है उस प्रवर्धन को हम कहेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। इसके मुख्यतः चार प्रकार हैं, जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, जननांगों द्वारा। पहले हम बात करते हैं जड़ द्वारा। कुछ कास्टीय पौधे जैसे हम कह सकते हैं नीम का है, चमेली का है, शीशम का है, इन जड़ों की, इनकी जो जड़ें होती हैं वो प्रणों को, प्रणों यानी तना, तने को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है और धीरे धीरे यही तना एक नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त आपने देखी होगी शकरकंद घर में आती है, शकरकंद में आपने कई बार देखा होगा छोटी छोटी सी जड़ें भी निकली हुई रहती हैं, तो ये क्या है, एक कंदीय मूल ही है। शकरकंद क्या है वास्तव में, एक कंदीय मूल है, एक जड़ ही है, और इस जड़ को ही, यदि इस जड़ को जमीन पर, जब जमीन के अंदर होती है तो इससे, इसकी मूल से एक नए पौधे का परिवर्धन होता है। इस तरह से जड़ों द्वारा नए पौधे का विकसित होना क्या कहलाएगा, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, आपने देखा होगा कि आपके घर में आलू आते हैं, ठीक है, आलू के अंदर देखा होगा छोटी छोटी सी क्या होती है, इस तरह से आलू के अंदर छोटी छोटी सी आंख बनी हुई रहती है, और उस आंख से इस तरह से भी देखा होगा कि आपने कुछ ना कुछ व्हाइट व्हाइट सी संरचनाएं निकली हुई रहती है। वास्तव में ये क्या है, ये आलू की जो आंख है, इसके द्वारा यदि इस आंख को निकाल करके यदि हम जमीन के अंदर दोबारा ग्रो कर दें तो इस आलू की आंख से नए आलू के पौधे का प्रवर्धन हो जाता है। इस प्रकार के प्रवर्धन को हम क्या कहते हैं, तने द्वारा पौधों में कायिक प्रवर्धन का होना। इसके कुछ और एग्जांपल भी आप दे सकते हो, जैसे घन कंद है, चल कंद है, उनके एग्जाम्पल आप उदाहरण के रूप में ले सकते हो कि तने द्वारा प्रवर्धन में कौन कौन से, जैसे आलू हो गया, शलजम हो गया, इस तरह के उदाहरण आप ले सकते हो। थर्ड हम बात करते हैं पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। ठीक है, पत्ती के पर्णग्रंथ, बिगोनिया में क्या होता है, पत्ती के पर्णग्रंथ पर, या हम क्या दूसरी पत्ती का नाम लें पत्थर चट्टा, आपने इंग्लिश में नेम सुना होगा ब्रायोफिलम, जैसे कि मैं आपको दिखाती भी हूँ कि जैसे ब्रायोफिलम की एक पत्ती है, इस पत्ती के किनारों पर छोटी छोटी सी कलिकाएं विकसित हो जाती हैं। ये पत्ती का आपको किनारा नजर आ रहा होगा, इन किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं विकसित हो जाती हैं और ये कलिकाएं ही धीरे धीरे चल करके आगे विकसित होकर के एक नए पादप का रूप धारण कर लेती है, या हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि यदि इस पत्ती को हम जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर गाड़ दें तो कुछ समय पश्चात इन पत्ती के किनारों से ही छोटी छोटी पत्र प्रकलिकाएं विकसित हो जाती हैं, छोटी छोटी कलिकाएं विकसित हो जाती हैं और ये कलिकाएं ही नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं, जैसे कि ब्रायोफिलम की चित्र से भी स्पष्ट हो रहा है और पत्ती के किनारों से भी मैंने आपको बता दिया है। चौथा आता है आपका जननांगों द्वारा। कुछ पौधों के प्रवर्धन जो होता है वो जनन अंगों द्वारा या जननांगों द्वारा होता है, जिनमें की पौधे के पुष्प में पुष्प कलिकाएं विकसित नहीं होकर के कुछ इस तरह की पत्र प्रकलिकाएं विकसित होती हैं। ये पत्र प्रकलिकाएं जो होती हैं वो एक नए पौधे का प्रवर्धन करने में सहायक होती हैं।
जैसे आपने जनरल लैंग्वेज में नाम सुना होगा रतालू, इसे हम कहते हैं डायोस्कोरिया भी। इसके अंदर तने के जहां पर पुष्पकलिका विकसित होनी चाहिए वो पुष्पकलिका विकसित नहीं होकर क्या विकसित हो रहा है, पत्र प्रकलिका विकसित होती है। और यदि इसके इस भाग को यदि हम मिट्टी में दबा देते हैं तो इससे ही एक नए पौधे का प्रवर्धन होता है। आज हमने क्या पढ़ा, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और वो किस किस तरीके से होता है। आप लोग हमेशा अपने आप को घर में सुरक्षित रखिए और हमारे वीडियोस को देखकर अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। देखिए कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो दरवाजा को खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो आपको भी अपनी इस ताकत को बनाए रखना है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।